हॉट ऑप्शन के बारे में, और वो है कोडिंग, कोडिंग प्रोफेशनल्स। आज के इस प्रोग्राम का टॉपिक है, ये क्या होते हैं, किस तरह से इनका काम होता है, आज के दौर में इनकी इतनी मांग क्यों है, और फ्यूचर क्या है करियर के लिहाज से। इन सब बातों पर हम आज के इस प्रोग्राम में आपसे बातें। दोस्तों, कोडिंग वो भाषा है जिसके जरिए कंप्यूटर को बताया जाता है कि क्या करना है, यानी कंप्यूटर जिस भाषा को अंडरस्टैंड करता है उसे हम कहते हैं कोडिंग। इसे आप वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी ऐप जो है वो डेवलप कर सकते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में इसकी आवश्यकता आजकल बहुत बढ़ी है। तकनीक का इस्तेमाल जब से कॉरपोरेट जगत में, कंपनीज में होने लगा है, कोडिंग की डिमांड भी बढ़ने लगी है। एक रिसर्च के मुताबिक 2028 तक 8 करोड़ जॉब्स होंगी इस सेक्टर में। और अगर आप कोडिंग लैंग्वेज जानते हैं, इसके माहिर हैं, तो क्या बात है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस फील्ड में एकदम, बिल्कुल एकदम यानी फ्रेशर्स अगर आप हैं तो भी सालाना 6-10 लाख रुपए तक अर्न कर सकते हैं। जी, तो आज इसी सब्जेक्ट पर हम बातें करेंगे, यानी कोडिंग लैंग्वेज, कोडिंग प्रोफेशनल्स के बारे में। उसकी डिमांड बढ़ने की मुख्य वजह लगभग हर कंपनी में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल होना, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। और अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूल में ही स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाने पर जोर दिया जा रहा है, यानी इस फील्ड में फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आप इसे पार्ट टाइम के तौर पर भी चूज कर सकते हैं, और जब आप पार्ट टाइम के तौर पर इसको चूज करते हैं तो कंपनी के बेसिक जो काम है उनके लिए इस क्षेत्र में आपकी स्किल्स पर फोकस रहता है। फुल टाइम के लिए तो आपको फुल टाइम डिग्री और साथ में सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन पार्ट टाइम में भी आप अगर स्किल्ड हैं तो आपको मौका मिल सकता है। इसीलिए अब ऑनलाइन कई कोर्सेज उपलब्ध हैं जो आपको कोडिंग प्रोफेशनल्स के तौर पर तैयार करते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं इस क्षेत्र में ऑफर किए जा रहे हैं। ये एक हॉट करियर ऑप्शन है, क्योंकि कहते हैं कि शुरुआत में ही मिल सकती है 6-10 लाख रुपए प्रति वर्ष की सैलरी, और 2028 तक एक्सपर्ट्स का मानना है कोडिंग में होगी 8 करोड़ नौकरियां। और दोस्तों, कोडिंग जो लैंग्वेज है, जैसे जावा है, पाइथन है, ये जो लैंग्वेजेस हैं, इनकी सबसे अधिक मांग है मार्केट में। और कई ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था, जावास्क्रिप्ट, जावा प्रोग्रामिंग बेसिक्स, एनालाइज डेटा विद पाइथन, जैसे कई ऑनलाइन कोर्सेज विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर ऑफर किए जाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि इस सेक्टर में टॉप लेवल तक पहुंचना है तो फुल टाइम डिग्री ही कारगर होगी। कोडिंग में करियर बनाने के लिए कंप्यूटर साइंसेज में इंजीनियरिंग के अलावा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA और MCA भी एक ऑप्शन है। कुछ और इस क्षेत्र में काम करने के बाद आपकी जो लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें बढ़ोतरी होती है। वेब प्रोग्रामिंग, ऑटोमेशन, डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा साइंस में सबसे अधिक पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। कोडिंग के फील्ड में इस लैंग्वेज को सीखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा जावा स्किल्स रखने वाले प्रोफेशनल्स की मांग भी बढ़ी है, इस पर पकड़ बहुत जरूरी है। दूसरी ओर, कोडिंग की मदद से कंप्यूटर की भाषा आसान होने के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशंस, लॉजिक और कैलकुलेशन स्किल्स भी बेहतर होती हैं। ये फायदा है कोडिंग लैंग्वेज सीखने का, कोडिंग प्रोफेशनल्स बनने का। तो आप भी इस ऑप्शन की तरफ देख सकते हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं।